लोग देख सकते हैं यहाँ विसर्जन की तैयारियाँ हो रही हैं, इतना ज़्यादा भीड़ है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज से 5 अक्टूबर एंड आज से दशहरा एंड अभी हम लोग जा रहे हैं खुजाई। एक्चुअली मैंने आप लोग को पिछले ब्लॉग में बताया था, अष्टमी वाला ब्लॉग में बताया था कि मैं जा सकती हूँ खुजाई अपने मायके। बहुत दिन हो चुके हैं मैं नहीं गई हूँ। लास्ट ईयर गई थी मैं लॉकडाउन के टाइम पर, उसके बाद मैं जा नहीं पाई, बहुत बिजी हो गई थी स्कूल के कामों में, मुझे छुट्टी ही नहीं मिलता था। तो आज मैं जा रही हूँ दशहरा के दिन पे एंड वहाँ पे मैं आज घूमूंगी। तो या लेट्स गो। हाय मैम, गुड मॉर्निंग मैम, खुरम जरी मैम हसी से अपने का से दशहरा नुमी अमुको लाइन थाना नुमी से इपामे मैम अना अष्टमी ब्लॉग तो मैम हजा चत जाएद से हजा चल रे कुरे चतब इपाम लास्ट इयर लॉकडाउन चपद चतब और चल रे आदि कोरकनी मैम अदी ब्लॉग लागनी हरें सदा खा कोई लाइन थाबद हजादी खुद की पूजा नाइबनी हाँ लुहद ममद हजाद पूजा जाओरे खुदी लुहद इपाम चतफतेमें पूजा याव फंगे हजा की गुवाहाटी जाओरे लाइ थे चल रे मैम हरें सना कोई खुद मैम उचरके मैम ब्लॉग से मखा तानर से जो कि अरुणाचल प्रदेश से है। तो इसको इंडियन आइडल से एलिम लिया गया है, जिनको नहीं पता मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ। रितु रबा अरुणाचल प्रदेश के बहुत ही पॉपुलर सिंगर है, वो इंडियन आइडल में गए थे लेकिन लास्ट थर्ड राउंड में उनको एलिमिनेट कर दिया गया। बहुत ही बुरा लग रहा है, होल इंडिया इनकी सपोर्ट में खड़े हैं। तो जो नॉर्थ ईस्ट के हैं सभी, मैं सभी को बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ रितु रबा को सपोर्ट कीजिए। अपने यूट्यूबर्स लोगों से मैं बोलना चाहती हूँ कि वो लोग अपने अपने चैनल में रितु रबा के बारे में कुछ बोलिए, आवाज़ उठाइए। सो गाइस, अभी मैं पूछती हूँ अपने हस्बैंड से, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये स्ट्रेट रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं। नॉर्मली तो ये शिलोंग जाने के टाइम पर तो नहीं चलाते ना, इसे स्ट्रेट रास्ता नहीं मिलते। तो आज स्ट्रेट रास्ते में चलाने से ना उनको बहुत मज़ा आता है। ये पहले मुझे बोलते थे कि खुजा का रास्ता में चलाने में बहुत मज़ा आता है, स्ट्रेट है ना, शिलोंग की तरह नहीं है। तो अभी इनसे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है, एक मिनट रुकिएगा इस। तो आप बोलिए कैसा लग रहा है बहुत दिनों के बाद ससुराल जाके? अच्छा लग रहा है। तो अभी स्ट्रेट रास्ता है तो गाड़ी 100+ के स्पीड में चल रहा है। वेदर भी अच्छा है, वेदर भी अच्छा है तो इसी आने जरूरत नहीं पड़ा। तो हम लोग बाहर का एयर भर लेते हैं, बाहर का और साथ हम लोग जा रहे हैं। क्या गिरा? कुछ नहीं गिरा, वो बोतल गिरा है। सो रहा है अभी तक ये बंदा भी, अभी तक सो, सुबह निकले हैं 6:30 निकले थे तो अभी ये वाला ये बंदा भी अभी तक सो रहा है, लड़का भी सो रहा है। थे एंड अर्ली मॉर्निंग हम लोग आ गए थे, तो ब्रेकफास्ट करके नहीं आए थे। मम्मी ने तो बोला है कि घर में आके ब्रेकफास्ट करना, बीच में कुछ खा के मत आना, बट बहुत भूख लग रही है। अभी बजे है सुबह का 9:30, तो यहाँ पे कुछ खा लेते हैं।
सो गाइस हम लोग यहाँ खा रहे हैं पूरी सब्जी, मतलब मैं नहीं खा रही हूँ, ये खा रहे हैं पूरी सब्जी साथ में चाय। मैं ऑलरेडी चाय पी रही हूँ। सो गाइस खाना पीना हो गया कंप्लीट, अभी हम लोग जा रहे हैं घर, तो लेट्स गो। चुके हैं नील बगान, थोड़ी देर के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे घर। पुरान बाजार से या फिर न्यू मार्केट से थोड़ा बहुत स्वीट्स ले लेगा, यहाँ से ना, हाँ यहाँ से भी ले सकता है। हाँ सो गाइस यहाँ पे थोड़ा स्वीट्स ले लेगा घर के लिए, स्वीट्स एंड बेकरी। सात पीस दे दिया। ये क्या है, बेसन का लड्डू है क्या? ये असल हो गया, असल हो गया ना। ये क्या है, ये एटू की कोई एटू सात, एटू सात। ये भी मीठा मीठा होगा शायद, मीठा होगा। हाँ सब है ना, मिरिंदा भी है बाबू। मिरिंदा, हाँ हाँ मिरिंदा ले लो। ठंडा से नहीं, ठंडा बहुत रस। और नहीं चाहिए, मिरिंदा और इसमें है ना स्वीट्स। सो गाइस स्वीट्स ले लिए, कोल्ड ड्रिंक भी ले लिए, अभी हम लोग जा रहे हैं घर। पुलिस पॉइंट जरूरी मैं आम जी खोई जुम जोर है, न्यू मार्केट जोर है। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हुजाए, अभी हम लोग रेल लाइन में है, ट्रेन आ रहा है, यहाँ पे फंसे हुए हैं, 5-10 मिनट के बाद पहुंच जाएंगे घर। आते ही अपने जान पहचान के लोगों को जब देखती हूँ ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। सो गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ घर, अभी मैं थोड़ा फ्रेशन अप होती हूँ, उसके बाद फिर से निकलना है, अभी घूमना है, शाम को भी घूमेंगे फिर अभी भी घूमेंगे। तो चलिए गाइस मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, एंड अभी बस चुके 3:30। दरअसल हम लोग सुबह निकलने वाले थे लेकिन लेट हो गए थे, 11:30 हो गए थे, फिर मम्मी ने बोला कि खाना खा के एक साथ निकलेंगे, और विसर्जन है तो थोड़ा भीड़ होगा इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी निकल गए। पीछे मम्मी पापा बैठा है, मम्मी पापा हाय बोल दो। हाय हाय। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, इसलिए मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी हुजाए का जो विसर्जन होता है। तो ठीक है गाइस मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में, आप लोग बनी रहिएगा। पांधोई बिन तरह से मैं अखोई हुजाए की इमा पांधोई बिनी से मैं जो पूरी खाली हो ना ले पांधोई लाई लो गाइस। हां आ मनुंगन, न्यू मार्केट ना सीधे लेफ्ट से लो पुरान बाजार। हाँ
तो गाइस हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं महामृत्युंजय मंदिर जो नगाँव में है ठीक उसी की तरह यहाँ पे पंडाल बनाया गया है हुजाए गांधी मैदान में। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये जो शिवलिंग है सेम टू सेम महामृत्युंजय मंदिर जो नगाँव में है उसी की तरह यहाँ पे बनाया है। तो हम लोग यहाँ पे पहले आ गए हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं। मैं नगाँव डाले महामृत्युंजय मंदिर डुमाइना सिम सिमाना असीगा मुसाया बको गांधी मैदान दो असी दहा लाए अहम बदा जेगा फोटो खर नमगा जेगनी मफम अटोप काय काय चतप यागे हबदो अहम बदा हा लाए मैम। हम लोग निकल चुके हैं, अभी थोड़ा घूम लेते हैं क्योंकि थोड़ी देर के बाद तो विसर्जन शुरू हो जाएंगे तो बहुत भीड़ होगा, अभी थोड़ा घूम लेते हैं। ये मंदिर So guys, हम लोग अभी आए हैं केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर मतलब वो असली वाला केदारनाथ मंदिर नहीं, केदारनाथ मंदिर की तरह हूबहू यहाँ पे मंडप बनाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं, पहले हम लोग हमको मिल नहीं रहा था तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ पे पूछ पूछ के हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ का एड्रेस नहीं पता था। ये जो केदारनाथ मंडप है ये विष्णुपुली पे है, मेन रोड के पास में ही है। तो फाइनली हम लोग को मिल गया, अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं थोड़ा फोटोशूट करके। हम लोग यहाँ से अभी निकलेंगे, दूसरी जगह जाएंगे, फिर थोड़ी देर के बाद तो शुरू हो जाएगा विसर्जन। हम लोग अभी आए हैं शिव मंदिर पे, जो पुजारी का जो सबसे बड़ा मंदिर है। तो यहाँ पे इतना रस है ना, क्या ही बोलूं, बहुत ज्यादा रस है गाइस यहाँ पे। जलेबी पूछा पूछा तो हाँ चाह रहा ऐ दिशा नहीं है हाँ नहीं बोला ऐ सानी है सीख ला सीख ला मुझे जलेबी तो हाँ वो तो मांडे हाँ ना ते आधा पंगो इधर अभी विसर्जन शुरू हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं कितना भीड़ है यहाँ पे। ये तो है, ये हुजाए का न्यू मार्केट है, यहाँ पे हो रहा है विसर्जन, इसी रास्ते से होके जाएगा।
लोग देख सकते हैं यहाँ विसर्जन की तैयारियाँ हो रही है, इतना ज़्यादा भीड़ है, आप लोग देख सकते हैं न्यू मार्केट में। मैम लाइ थब हौरे हूजिकला पोरे लाइ1 hour later. तो गाइस अभी यहाँ बारिश भी देना शुरू हो गया है, अभी बारिश दे रहा है इसलिए हम लोग अभी घर लौट रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ने मोमो खाया, न्यू मार्केट में भी रोल खाया, उसका वीडियो मैंने नहीं लिया क्योंकि बहुत भीड़ था। अभी हम लोग जा रहे हैं घर, बारिश भी दे रहा है तो विसर्जन का वीडियो जितना हो सके मैंने आप लोग को दिखाया। आपका वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताना, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।